नमस्कार, सियासत का सिंहासन में आप सभी का स्वागत है। लो जी, चुनाव आ गया। झूठे वादे रूठों को मनाने, इसका चुनावी मौसम बड़ा अजीब सा होता है। जी हाँ, क्योंकि दरअसल चुनावी सरगर्मियां उबाल मारने लगे हैं। फिर से मन में जल और जिले का ख्वाब गुदगुदाने लगा है, क्योंकि चुनाव आ गया है। लेकिन 5 साल में क्या विकास हुआ? विकास की परिभाषा से लेकर विकास की हकीकत तक जनता इस रिपोर्ट कार्ड में अपने कितने अंक सरकार को देती है? आइए जनता से रूबरू होते हैं सीधा। आपका नाम बताएं। मेरा नाम है नथुलाल और मैं यहाँ हाउसिंग बोर्ड में रहता हूँ। और हमारे घर के आगे जो बहुत खड्डे और बहुत ही इससे जो है सो परेशानियाँ बहुत है। बच्चे गिरते रहते हैं, खड्डे पड़े हैं, मकान सही बना हुआ लेकिन आगे रास्ते जो है ना बहुत ख़राब बन रहे हैं। नथुलाल जी, दरअसल जो पिछला 5 साल निकला है, इस 5 साल के विकास से आप संतुष्ट हैं? 5 साल जो निकला है अब उससे तो बाबा देखो, आप सब समझते हैं, सब जानते हैं कि भाई क्या हाल है दुनिया का, और मैं भी उसी से सहमत हूँ। ठीक है सर, अभी देखा जा रहा है कि राजनीति इतनी उबाल मार रही है कि कोई जात पात पर बात कर रहा है, कोई गोत्र की राजनीति कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी राजनीति में जो जमीनी मुद्दे हैं वो कहीं गौण हो गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए उस हिसाब से ना तो विकास हुआ है और ना ही वादे वादे रह गए हैं। बाकी हमारे जो गड्डी थोरियान राजस्थान स्पेशल आवासन मंडल के नाम से है, इसमें रोड का नाम निशानी मिट गया है। और जब हम बोलते हैं तो आज होगा, कल होगा, अभी साहब नहीं है, ये मीटिंग वीटिंग सब, जब वोट लेने होते तो जनता हमारे को ढूंढती है, फिर हम नेताजी को ढूंढते हैं जी। तो हम लोग तो इनके जलसे में आना भी नहीं चाहते हैं, ये जैसा है ऐसे करते रहें और चलते रहें। क्या ये आक्रोश कछवार आपके पास में भी है? जी 10 साल के अंदर एमएलए साहब इस रोड पर आकर के नहीं देखा कभी, ये भी नहीं पूछा भाई क्या है, क्या हलचल है, क्या नहीं है। उसके बावजूद भी नहीं यहाँ पर कभी सड़क बनी 10 साल में जी। और हाउसिंग बोर्ड ऑफिस के अंदर जाते हैं तो सिर्फ यही कहते हैं हाँ ऑर्डर पास होया हुआ है, बनने वाली है, बनने वाली है, उसके अलावा कुछ जवाब नहीं बाकी जी। आपका क्या मानना है आज की राजनीति को लेकर, आपके क्या विचार है? राजनीति क्या साहब, 10 साल हो गए शंकर सिंह से एमएलए साहब को, 10 साल में अभी तक कुछ काम नहीं हुआ यहाँ, न पानी, न लाइट की व्यवस्था, न रोड की। जैसे है वैसे जाओ, ऑफिस में जाते हैं हम तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं करते हमारी। उन्होंने तो दावा किया है कि 2637 करोड़ का विकास हमने इस ब्यावर विधानसभा में किया है। नहीं हुआ यहाँ तो, ब्यावर में कुछ भी नहीं हुआ, आपका माहौल ऐसा ही है साहब। ठीक है, तो आपका आक्रोश लगातार जायज़ है। इनका मानना है कि 10 साल के भीतर इस एरिए में तो कभी सड़क का नामो निशान इन्होंने कभी देखा नहीं। महिलाओं से भी जानना चाहते हैं, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, आपका नाम बताएं। संतोष कुमार। संतोष जी, क्या लगता है कि पिछले 5 साल में आप जो विकास कार्य है, जो मोदी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, कोई राहुल जी के नाम पर वोट मांग रहा है, ये जो राजनीति की जा रही है क्या जमीनी मुद्दों से हटकर है? नहीं सर, किसी भी ना तो हम वोट देंगे ना हमारे रोड की, पानी की, नालियों की, इनकी समस्या देखो, आज 15 साल हो गए हमको यहाँ रहते हुए, मतलब कोई सुविधा नहीं है, गंदगी गंदगी, मोती आता है, ये राहुल आता है, आखिर क्या वोट लेके चल जाते, वोट के टाइम में सब आते हैं, बाकी फिर सब हरी झंडी दिखा जाते हैं, हम जूतों की माला पहनाएंगे, वोट नहीं देंगे। आप जूतों की माला पहनाएंगे, ठीक है। आप बताइए कि जो जल और जिले का इतना मुद्दा चलता है, हर चुनाव में जल जिला चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, क्या आपको जल मिल पाया है? नहीं नहीं, अभी तक तो पानी की व्यवस्था भी टाइम से नहीं आती है, पानी भी और रोड वगैरह सारी गंदी पड़ी है और पानी के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं हम। पानी के अलावा अगर हम घर के बजट की बात करें, तो रसोई होती है हमारी, हर बार बजट को लेकर आप लोग गृहणियां हैं, बड़ी देखती हैं उसे कि हर महीने का बजट बिगड़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो क्या ऐसे में कहीं ना कहीं इस 5 सालों में आपको राहत मिली है? नहीं, कहाँ मिली, अभी तक तो इतने परेशान हो रहे हैं हम तो बहुत ज़्यादा, क्या शक्कर गेहूँ वगैरह टोटल बंद हो रहे हैं, ऐसे परेशान हो रहे हैं, कितनी महंगाई हो रही है, गैस की टंकी की सारी समस्या हो रही है हमारे। ठीक है, तो जल को लेकर यहाँ पर बात आ रही है, आप बताइए ज़रा कि जल की परेशानी जायज़ है, क्योंकि इनका कहना है कि 24 घंटे के भीतर पानी देने का वादा जो इन्होंने किया है, कितना सही मानती हैं आप? बिल्कुल सही नहीं है सर, बिल्कुल भी सही नहीं है, पानी की इतनी परेशानी है बहुत ही, जहाँ मतलब पहले पानी आता था मतलब 15-20 मिनट भी आता था, अभी 5 मिनट भी पानी नहीं आ रहा है, जैसे कि पाइप लगा रहे हैं बंद हो रहा है, तो मतलब समस्या इतनी है। जब इनका इलेक्शन होता है तब तो ये आके चेहरा दिखाते हैं, उसके बाद में बिल्कुल चेहरा नहीं दिखाते हैं, तो ये भी कोई बात, ये मतलब कोई वोट नहीं देंगे हम तो। क्या लगता है, समस्या खुद ही मतलब हल कर लेंगे ना, क्यों उनके आगे हाथ फैलाएंगे हम? तो क्या लगता है ये राजनीति को क्या करना चाहिए, इन राजनेताओं को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं होगा सर, क्या कह सकते हैं, इतना तो अब ये परजाई समझ रही है, बस खुद का ही बन रहा है तो और क्या है, गरीबों का घर बन रहा है क्या? आज तक देखा है गरीबों का घर बनते हुए? अगर मैं कहूँ कि अगर हमारे ब्यावर की सरकार को, अगर जो प्रत्याशी हैं, जो पिछले 5 साल बीते हैं, जो सरकार ने काम किए हैं, अगर उसमें 10 में से नंबर देने हो तो आप कितना देंगे? नहीं, 0 नंबर
देंगे हम। 0% भी नहीं मिले सर, 0 नंबर ही मान के। आप क्या नंबर देना चाहते हैं? 0 नंबर, 0 नंबर, एक भी नंबर नहीं देंगे। शंकर सिंह एक भी नंबर नहीं, 0 नंबर। शंकर सिंह रावत को 0 नंबर हमारे यहाँ। ये आप ही ने जिताया, आप ही का वार्ड है, भाजपा का वार्ड है। हम तो वोट देंगे नहीं, जूते की माला पहनाएंगे, जूते की माला पहनाएंगे शंकर सिंह रावत को। हमारे इधर वोट लेना था, जब आ गया वापिस उसने शक्ल ही नहीं दी। वोट लेने का चेहरा देखा ही नहीं हमने, तो बिल्कुल देखा ही नहीं। अभी तो ये भी हमको पता नहीं कि उनका चेहरा कैसा है, जानते ही नहीं, चेहरा भी नहीं दिखाए। उस दिन आए थे जिस स्टार्टिंग में जब वोट लेना था, उसके बाद वापस आके देखा भी नहीं। बताइए, एक राष्ट्रीय मुद्दे में सभी जने नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं जैसे, तो क्या लगता है आपको, मोदी अच्छे हैं या राहुल गांधी अच्छे हैं, पहले ही बताइए। हमारे लिए तो कोई अच्छा नहीं है, राहुल गांधी कोई अच्छा नहीं है। वसुंधरा आई थी ना, वसुंधरा आई बाय बाय करके चले गई, किसी का गरीब की सुनी क्या उसने? किसी की नहीं सुनी, सब आप अपना घर बनाते, गरीबों की नहीं सुनते। गरीब नहीं हुई है, महंगाई तो बढ़ी है 5 साल घर से गैस जो 600 रुपए दे रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी कैसे घर चढ़ेगा? कोई विधवा की सुनाई होती है, कोई बीपीएल वाले की सुनाई नहीं होती है, फिर क्या मतलब है? क्या आपने पार्षद को या विधायक से कभी इस बारे में शिकायत की है? करी सर, करी हजार मिलता ही नहीं है। कभी कहाँ जाते हैं, चारों तरफ जा जाके परेशान हो गए। रोड के लिए कितनी बार जाके वहाँ जाके आए हैं, रोड के लिए भी। तो महिलाओं का गुस्सा यहाँ पर बहुत ही आक्रोशित है यहाँ की सरकार को लेकर। इन्हीं से पुरुषों से भी जानना चाहते हैं सर, आपको क्या लगता है यहाँ की राजनीति पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ की राजनीति ऐसे है, गड्डे हाउसिंग बोर्ड के अंदर जो भी अगर काम होगा तो हाउसिंग बोर्ड ऑफिस के द्वारा ही कराया जाएगा। यहाँ विधायक कोष से या पार्षद कोष से कोई भी काम नहीं होता है। अगर कोई भी काम करवाना हो तो हाउसिंग बोर्ड ऑफिस में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर वोट क्यों लेने आते हैं? मतलब इस एरिया के जो लोग हैं हाउसिंग बोर्ड एरिया के, वो विधायक कोष से या पार्षद कोष से कोई भी काम स्वीकृत नहीं है यहाँ पर, तो वोट किस राजनीति से मांग रहे हैं? लेकिन जैसे भाजपा का वार्ड है, भाजपा को आपने पसंद किया है और यहाँ पे भाजपा को बड़ी संख्या में जिताया भी है आपने, और आज उसी के खिलाफ आपका आक्रोश भड़क रहा है। सर, आक्रोश ऐसा भड़क रहा है, हमारे कुछ बिजली के खंभे में खराबी हो गई थी जी। तो हमने पार्षद साहब को कहा था कि आप फोन करके इसको सही करा, तो उन्होंने कहा हमारे अंडर में एरिया नहीं है, तो अगर वो बिजली की समस्या भी नहीं करा सकते तो हम रोड की कैसे हम करें जी। तो वो पार्षद या विधायक हमारे क्या काम आ रहे हैं, तो बताओ आप हमारे को, बताओ कि हमारे को काम अगर हाउसिंग बोर्ड ऑफिस से करवाना तो हमारा वोट क्या काम आ रहा है? आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? सर, नंबर किस चीज के नंबर, पहले 10 पाने लायक तो होगा ना वो जी। 10 पाने लायक हो तो 10 में से नंबर देवा ना हम जी। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे कि राजनेताओं को क्या करना चाहिए विकास की इस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, उन्हें क्या करना चाहिए? आप वहाँ नीचे बैठ जाना चाहिए, उनको तो सड़क पर बैठ जाना चाहिए। वसुंधरा आई लेकिन वसुंधरा के लिए ये रोड भी सही नहीं हुआ, उसने भी गड्ढे के अंदर ही रवाना हुई है, उसके बावजूद भी रोड नहीं बना। आज कम से कम 10 साल हो गए इस रोड को बिगड़े हुए, मसूदा रोड को, उसके बावजूद गड्ढे सर पेट दुखने लग जाता है। कोई डिलीवरी अगर औरत निकली हो टेम्पू के अंदर तो रस्ते में डिलीवरी हो जाए, वहाँ हॉस्पिटल बोलने की जरूरत नहीं है, इतना खराब रोड हो रखा है यहाँ का। और ये ईश्वर तवरना पाए, ये रोड लाइट लगवाई, उसके बावजूद आज तक रोड लाइट नहीं जली है, एक बार लगवाई उसके बाद में अभी तक लाइट नहीं जली। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो जनता है बड़ी आक्रोशित है, क्योंकि इस राजनीति के 5 साल के इस इतिहास की बात करें तो इनका ये मानना है कि इनकी मूल समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया, तो ऐसे में ये गुस्सा इनका इतना चरम पर पहुँच चुका है, इनका यही मानना है कि ये राजनीति बहुत बड़ी गंदी चीज़ है। तो ऐसे में आज हम एक वार्ड की समस्याओं को लेकर आपके बीच में आए हैं, ऐसे कई वार्ड, ऐसे कई मोहल्ले, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर विभिन्न समस्याओं से जूझे हुए हैं क्षेत्रवासी, लेकिन आज फिलहाल यहाँ के विकास कार्यों से आपको रूबरू करवाया है, किस तरह से वो आक्रोशित है विकास कार्यों को लेकर, तो आपने देखा सियासत के सिंहासन में आज की इन समस्याओं को। कैमरामैन मुकेश चौहान के साथ कुलभूषण उपाध्याय, जे स्काई न्यूज़।